श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तलाव वाराणसी। आज हम कक्षा 12 का विषय गृह विज्ञान चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रही हूँ। पहला और दूसरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तीसरा चैप्टर है रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी कि हमारे शरीर में किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता रहा, मतलब ब्लड किस तरीके से आता और जाता रहा, मतलब एक स्थान से मतलब कि आता जाता रहता है, और ब्लड का कार्य क्या क्या होता है, सारे अंगों को रक्त मतलब कि जो रक्त रहता है वो सारे अंगों को किस तरीके से वह पहुंचाता है। ठीक है, तो इसमें प्रस्तावना में यह है कि मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग हृदय है, जो अपने अंदर रक्त को एकत्र करने तथा संपूर्ण शरीर में रक्त संचार करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। जैसे कि हमारे शरीर में रक्त पहुंचाने का कार्य किसका होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र का। तो यह रक्त परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर में पूरे अंगों में रक्त को किस तरीके से पहुंचाता है, सारे अंगों में धीरे धीरे वह पूरे एक मिनट मतलब कि कितना बार, यानी एक मिनट में 72 बार हृदय रक्त को पंप करने के लिए मतलब कि बाहर निकालता रहता है, झटके के साथ बाहर निकालता रहता है। ठीक है, तो यह हमारा जो है हृदय की रचना, यह जो हमारा फिगर है, यह हृदय की रचना, यह हृदय की रचना की क्या है, या कि इसके अंदर हमको किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है और कैसे कहां से कहां तक अंगों को वह पहुंचाता रहता है। इस फिगर के माध्यम से हम अभी आप लोगों को आगे बताएंगे। इसमें दिया है रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी इसमें दिया है कि अगर रक्त परिसंचरण तंत्र को हृदय तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है, जो अधिक उचित होता है। हृदय की शक्ति के बिना क्या हम लोग मतलब कि बिना रक्त का परिभ्रमण कदापि संभव नहीं कर सकते हैं। हृदय इस तंत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, नहीं वरन रक्त संचरण संस्थान का एक केंद्र होता है। जैसे कि संपूर्ण शरीर में रक्त नलिका के समान गति में निरंतर रक्त प्रवाह होता रहता है, इसके लिए आवश्यक है कि इसमें कोई एक शक्ति प्रवाहित करे, जिसे यह शक्ति हृदय प्रदान करता है। इसमें बलपूर्वक रक्त को पंप करने की क्षमता कहते हैं। ठीक है, फिर अगला हेडिंग हमारा है रक्त शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र हेडिंग है, उसके अंतर्गत दिया है रक्त शरीर में न तो एक निश्चित स्थान पर रहता है और न ही एक अंग में एकत्रित रहता है, न ही रक्त नलिकाओं में केवल भरा रहता है, बल्कि यह निरंतर संपूर्ण शरीर में चक्कर लगाता रहता है। हृदय से रक्त के एक बार पंप करने के पश्चात पुनः पंप करने के मध्य के समय में रक्त के संपूर्ण शरीर में एक चक्कर पूर्ण हो जाता है। जैसे कि रक्त परिसंचरण का तर्क यह तंत्र का यह होता है कि यह निश्चित स्थान पर रहता है और न ही एक अंग में एकत्रित रहता है, मतलब कि क्या ब्लड हमारा एक अंग में मतलब कि पूरा एकत्रित रहता है, एक स्थान पे ही हमारा ब्लड है, नहीं, हमारे शरीर में क्या करता है, पूरे रक्त नलिकाओं में वह पूरा रक्त हमारे हर एक नलिका में हमारे रक्त भरा है और वह पूरी नलिका क्या पूरा चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, फिर इसी टॉपिक में हमारा है इसी में कि इसी प्रकार एक मिनट में 72 बार हृदय रक्त को पंप करने झटके के साथ बाहर निकालता रहता है, अतः रक्त का चक्कर भी एक मिनट में 72 बार होता है, जो जीवन पर्यंत चलता रहता है, रोग की विशेष अवस्थाओं को छोड़कर। अतः संपूर्ण शरीर में रक्त के बार बार चक्कर लगाने को रक्त परिसंचरण या परिभ्रमण कहते हैं, यानी कि जो हमारे शरीर में जो रक्त को मतलब कि जो चक्कर लगाता है वह रक्त परिसंचरण या परिभ्रमण कहलाता है, यानी कि जो चारों तरफ क्या होता है ब्लड आता जाता रहता है हमारे शरीर में, जो रक्त परिसंचरण का तंत्र क्या है कार्य करता है वह हमारे शरीर में क्या करता है आता रहता है। फिर है इसके बाद हमारा अगला हेडिंग है धमनी व सीरा में अंतर, जो धमनी होता है कि धमनी में धमनी का होता है और सीरा क्या होता है। धमनी में जो हमारी क्या होती हैं जो नलिकाएं जो जिसमें हमारे शुद्ध रक्त बहता है और सीरा में हमारा क्या होता है मतलब कि अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है धमनी में चमकीले लाल रंग का शुद्ध एवं रक्त होता है जिससे वे लाल दिखाई पड़ती हैं।
फिर इसमें सीरा में क्या होता है, सीराओं में अशुद्ध रक्त होने के कारण इनका रंग नीला सा होता है। फिर है धमनी में, दूसरा पॉइंट है, धमनियाँ अधिकांश रूप से मांसपेशियों की गहराई में होती है। फिर सीरा में तो सिराएँ त्वचा के समीप होती हैं, इन्हें त्वचा के ऊपर देखा जा सकता है। तीसरा है धमनी में रक्त का प्रवाह हृदय से अंगों की ओर होता है और सिराओं में रक्त का प्रवाह हृदय अंगों से हृदय, जैसे कि धमनी में क्या होता है रक्त का प्रवाह, जैसे जो रक्त होता है वह हृदय से अंग की ओर होता है और सिरा में क्या होता है कि अंग से हृदय की ओर होता है। फिर चौथा है धमनी की दीवारें अत्यंत लचीली होती हैं अतः ये चिपकती नहीं है। फिर सिराओं की दीवारें कुछ कड़ी होने के कारण रक्त प्रवाह की शिथिलता के कारण चिपक सी जाती है। जो हमारे धमनी की दीवारें होती है वह लचीली होती हैं और उसमें क्या होता है जो ब्लड रहता है जो उसमें चिपकता नहीं है। और जो सिरा में रहता है क्या होता है, सिराओं की दीवारें कुछ कड़ी होने के कारण रक्त प्रवाह की शिथिलता के कारण चिपक सी जाती हैं। उसमें क्या होती है जो सिराओं की में से जो दीवारें होती है उसमें जो रक्त का प्रवाह होता है वह क्या हो जाता है, चिपक जाता है। फिर पांचवा है धमनी में रक्त का दबाव अधिक होता है, यानी जो दबाव होता है जो ब्लड का तो वह क्या होता है, अधिक होता है। सिराओं में क्या होता है कि रक्त का दबाव कम होता है, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा छठवां पॉइंट है सिरा धमनी में रक्त हृदय की गति से प्रभावित होने के कारण झोंके से आता है और अतः रक्त की गति लहर की भांति होती है, ठीक है। फिर इसके बाद है इसमें है कि सिराओं में रक्त का प्रवाह समान गति से धीरे धीरे होता है। सिराओं में क्या होता है, इसमें छठवां पॉइंट है सिराओं में रक्त का प्रवाह गति प्रवाह क्या होता है, समान गति से धीरे 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 होता है, ठीक है। यह किसमें होता है, सीरा में, ठीक है, धीरे धीरे होता है। इसमें क्या होता है, झोंके से आता है धमनी में, और सीरा में क्या होता है कि इसमें मतलब कि धीरे धीरे आता रहता है, किसमें, सीरा में, ठीक है। तो धमनी और सीरा यह हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा बस केवल इतना ही रहेगा, फिर इसके बाद हम अगला टॉपिक हम कल बताएंगे, ठीक है। इसमें अगर आप लोगों को जो नहीं समझ में आया उसको दोबारा आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है।